हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? ये देखिए जो है, ये मैं कोलकाता एक नर्सरी से मैं अडेनियम का पौधा मंगाया हूँ और इसको मैं अनबॉक्सिंग किया हूँ जो है। और इसके देखिए जो है, कोडेक्स वगैरह ठीक है और प्लांट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है जो है। और ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है जो है और ये तीसरा प्लांट है, आप देख सकते हैं। बढ़िया से पैकिंग इसकी अच्छी किया था उन्होंने जो है, और काफ़ी अच्छा कंडीशन है इसका। अब ये दो तीन दिन मैं इसे जो है रखूँगा जो है इस तरह एयर में, उसके बाद जो है फिर मैं इसका पॉट में प्लांटेशन करूँगा जो है। और जब मैं प्लांटेशन करूंगा तो फिर आपको मैं वीडियो लेके आऊंगा कि इसको कैसे, इसका सॉइल मिक्सचर बनाया जाता है और इसको प्लांटेशन कैसे किया जाता है और शुरू में इसे कहाँ रखते हैं। इस तरह से आप भी जो है, ये मेरा एक जो है पौधा जो है मंगाया हूँ, देखने में तो ठीक लग रहा है। आपको भी मंगाना हो तो आप कोलकाता में बहुत सारे अडेनियम के नर्सरी हैं जहाँ से आप प्लांट को मंगा सकते हैं और अपने घर में अडेनियम के फूल सालों साल खिलते हैं। और इसका कोई बहुत मेंटेनेंस नहीं है, बस इसमें पानी थोड़ा सा कम लगता है, बस यही इसकी खासियत है। और इसके फूल बड़े ही खूबसूरत होते हैं, तो आप भी अपने यहाँ इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।